हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आयुष्मान योजना प्रभावित ना हो, सुचारू रूप से आयुष्मान योजना चलती रहे, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से करनाल जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने, तमाम जो है कांग्रेस के 31 सदस्य दल जिला सचिवालय में पहुंचा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आयुष्मान योजना को लेके आप जिला सचिवालय पहुंचे हैं, हालांकि सुचारू रूप से फिलहाल चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है IMA के जुड़े डॉक्टर हैं वो निर्णय ले सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी चल रही है 31 तारीख तक, उन्होंने साफ कह दिया अगर 1 तारीख तक हमारी पेमेंट नहीं होगी तो हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने का कारण भी उनका ये था कि एक तो पेमेंट दी गई, दूसरा उनका प्रताड़ित किया जाता है, जब बिल बन जाता है उसको रोक दिया जाता है, फिर 20 नखरे किए जाते हैं, फिर कमीशन ली जाती है, तब जाकर डॉक्टरों को पेमेंट मिलती है। कहीं उनकी पेमेंट रुकने से गरीब आदमी प्रभावित होगा। हमारी मेन जो बात है भी गरीब आदमी प्रभावित नहीं होना चाहिए। योजना अगर चलती रहेगी तो गरीब आदमी को फायदा होगा, अगर योजना बंद होगी तो गरीब आदमी प्रभावित होगा। भी उनके समय पर पेमेंट दो और गरीब आदमी प्रभावित ना, उनका इलाज चलता रहे, किसी तरह का काम ना रोका जाए, ये हमारी मेन मांग थी। तो कितनी राशि लगभग है, आपको जानकारी मिली होगी? देखो, मैं जो डॉक्टरों के मुंह से सुना था परसों, कोई 8 करोड़ कह रहा था, कोई 10 करोड़ कह रहा था, और 18 करोड़ सॉरी, तो सारे हरियाणा का कहते हैं 180 करोड़ से ऊपर है सारे हरियाणा का। अगर उनके पास बजट ना हो फिर भी कहें, लेकिन बजट का प्रबंध करना भी तो सरकार का काम है। बजट का प्रबंध करें, दे पेमेंट है उनकी टाइम पे, इलाज बंद नहीं होना चाहिए, हम ये कहते हैं। और डॉक्टरों को कहे बनाएं, डॉक्टरों को पेमेंट दें, 1-4 पेमेंट दें, डॉक्टरों को हाथ जोड़े, जहाँ मर्जी है, गरीब आदमी प्रभाव नहीं होना चाहिए और डॉक्टरों का मान सम्मान होना चाहिए। हालांकि सरकार से लगातार जो है IMA के जुड़े जो डॉक्टर हैं वो बैठक कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन अब तक जो है फिलहाल जो जानकारी मिली है नतीजा नहीं निकला, क्या उम्मीद जताते हैं आप? देखिए, सरकार को चाहिए, और सरकार अगर इसमें असफल रहती है तो अपने आप वो अपने आप ही अपनी जनता को परेशान करने का काम करेगी। एक तो कर्मचारियों को परेशान करेगी और जो आम लोग हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं उनको भी ये बहुत मुश्किल होगी। तो सरकार को तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर सरकार अपनी समझदारी से कुछ काम करेगी या जो लोग गलत कर रहे हैं उन पर एक्शन लेगी तो ये सफल हो सकता है, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा तो आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। तो किस तरह देखते हैं अगर जो बात नहीं बनती, कितने मरीजों को जो है नुकसान हो सकता है? देखिए, आज जो आयुष्मान कार्ड जो बने थे वो तो लाखों करोड़ों में बने हैं आयुष्मान कार्ड, और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, बट अगर फ़ायदा तो उठाते जा रहे थे पर वो जो पैसा था वो इकट्ठा ही होता गया और जो डॉक्टर से उनको नहीं मिल पाया। अगर 18 करोड़ एक यहाँ का ही नहीं मिल पाया तो ये ह्यूज अमाउंट है जो कि डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए। डॉक्टर को उनकी अमाउंट जो है वो पे करें ताकि इसका जो समाधान है वो निकाला जा सके। हमारे साथ और है कांग्रेस के नेता, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आज जिला सचिवालय पहुंचे थे, हालांकि अभी फिलहाल सुचारू रूप से इलाज चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में समस्या हो सकती है। नहीं, सुचारू रूप से उसमें दिक्कत आ रही है, तभी हमने यहाँ आना पड़ा, क्योंकि सरकार मैंने डॉक्टरों को पे जो है ना कहते हैं बजाय पेमेंट के उनको तो प्रताड़ित किया जाता है, और इस हिसाब से जब एक आदमी टेंशन में होगा तो वो दूसरे का इलाज क्या करेगा, जब डॉक्टर खुद ही टेंशन में है तो वो जो है ना इलाज क्या करेगा, उसमें गरीब आदमी तंग हो रहा है। और इसलिए हम आज सरकार के द्वारा आए हैं कि भाई ये जो स्कीम जो चलाई है ये आपने बजट में भी इसको प्रोविज़न किया है, इसका जो प्रोवाइड किए हैं पैसे वो आपके खजाने में पड़े हैं, अगर डॉक्टर्स की पेमेंट बाकी है तो वो उनको दो, और गरीब आदमी का जो इलाज होता है, कोई आपका कोई टेस्ट होता है, कोई एक्सरे होता है, उसके उससे पैसे लिए जाते हैं, तो आयुष्मान में तो कहीं पैसे लिए ही नहीं जाते। तो ये सारी चीज़ अगर कहीं कोई हेराफेरी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के तमाम नेता। फिलहाल आज जो 21 जो मेंबर हैं वो जिला सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुँचे थे, वहीं बीते दिनों IMA से जो जुड़े डॉक्टर हैं वो भी जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने पहुँचे थे। करोड़ों रुपए की जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं अभी जो डॉक्टरों की रुकी हुई है। फिलहाल सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बातचीत से कोई ना कोई हल ज़रूर निकले, वहीं आने वाले दिनों में पता चल सकेगा कि आखिर क्या कुछ फैसला निकल के आता है, क्योंकि IMA का साफ तौर पर यही कहना है कि जल्द से जल्द जो उनकी पेमेंट रुकी हुई है वो उन्हें मिले। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।